प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट नेक्स्ट ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड जो हम पिछले वीडियोज में देख रहे थे वक्र का तरीका, इसके एग्जाम के लिहाज बताता हूं। हमने कार्तीय वक्र के लिए वक्र का कार्तीय समीकरण दिया गया है, वक्र का मेन समीकरण दिया गया है, वक्र का प्राचलित समीकरण दिया गया है। इन सब के लिए हमने वक्र का त्रिज्या ज्ञात की, मूल बिंदु पर भी किसी बिंदु पर भी वक्र का त्रिज्या के लिए हमने ये सूत्र निकाल लिया। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं जो करने बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रो, जैसे वक्रता त्रिज्या को हम किससे निरूपित करते हैं, रो से ही निरूपित करते हैं। यदि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या रो तथा tan phi इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr है तो सिद्ध कीजिए r अपॉन रो बराबर sin phi 1 प्लस के d phi अपॉन d थीटा। इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा सूत्र जो रो बराबर होता है कि 1 प्लस के y y स्क्वायर की घात 3 y 2 अपॉन y 2। इस तरह के सूत्र में d y अपॉन d x, y 1 का मतलब क्या है, d y अपॉन d x, y 2 का मतलब d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर। तो इस तरह के सूत्र तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, d y अपॉन d x ज्ञात कर लिया और d y d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर ज्ञात कर लिया, मान रख दिया तो ये इसका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो इसका हल बताता हूं, किसी वक्र के लिए सामान्य संकेतन से जनरल नोटेशन होते हैं, सामान्य संकेतन से कि phi इक्वल टू यहां पे साई बराबर थीटा प्लस के phi होगा। साई बराबर थीटा प्लस के phi, यह हम जानते हैं। लेकिन यहां हमारा क्या आ रहा है, यहां से आप देखेंगे, देखिए स्टार्टिंग हमने कर दी है, अब यहां से देखते हैं कि d phi अपॉन d थीटा, यदि इसकी हम ये साइड बनाते पूरी तो ये अपने आप बन जाएगी। अब इस साइड को बनाने के लिए हमें फाई लेना पड़ेगा, फाई को किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष। तो इसलिए फाई का मान कितना आ जाएगा कि साई और माइनस के थीटा हो, फाई का मान आ जाता है साई माइनस के थीटा। या फिर आप चाहो तो इसको यहीं पे कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको हम फाई का मान ही निकालें, सीधे सीधे कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष, अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा कि डी साई अपॉन डी थीटा बराबर वन प्लस के डी फाई अपॉन डी थीटा। देखिए ये संख्या हमारी यहां मिल जाती है, वन प्लस के डी फाई अपॉन डी थीटा। इसलिए अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, साइन फाई का। इसलिए साइन फाई अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो डी साई अपॉन डी थीटा हो गया और यहां पर साइन फाई और वन प्लस के डी फाई अपॉन डी थीटा। ये साइड यानी कि हमने क्या बना ली, इसकी राइट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया और राइट हैंड साइड को कंप्लीट
लेफ्ट हैंड साइड को हमें थोड़ा सा हल करना है, क्योंकि ये sin phi बराबर कितना होता है r d थीटा अपॉन ds, r d थीटा अपॉन ds और d sin अपॉन d थीटा यहां पर है बराबर किस sin में हमें कुछ नहीं करना है 1 plus a d phi upon d देखिए यहां से इसका जो मान आ जाएगा कि r d sin upon ds बराबर sin phi और 1 plus a d phi upon d theta हो गया। ये 1 upon rho का मान है, तो 1 upon rho का मान हम इसमें रखते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तो हमने क्या रखा है, क्योंकि sin phi बराबर r d थीटा अपॉन ds रखा है यहां पर, और ये आ जाएगा r अपॉन rho बराबर sin phi 1 plus d phi, क्योंकि rho बराबर ds अपॉन d। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से हमने एग्जांपल को करें, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो बिंदु बिंदु पर आधारित है। एग्जांपल नंबर इसका बुक्स का 3 नंबर है कि फोलियो x क्यूब प्लस के y क्यूब इज इक्वल टू 3x के बिंदु थ्री ए बाई टू ये बिंदु दिया गया है पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है x क्यूब प्लस के y क्यूब बराबर 3x ये हमने नंबर 1 मान लिया। इसके पश्चात क्या करना है, क्योंकि हमें इस बिंदु पर निकालना है तो इसके लिए हमें dy अपॉन dx इस बिंदु पर निकालेंगे और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इस बिंदु पर निकालेंगे और रो के सूत्र में रखेंगे तो हमारा रो जो आएगा यानी वक्रता त्रिज्या इस बिंदु पर निकलेगी। तो क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 3a। यहां पर फर्स्ट और सेकंड फलन होगा तो आ जाएगा फर्स्ट फलन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फलन यानी कि dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस फर्स्ट का अवकलन। तो ये हमारा आ जाता है यहां से। हमने क्या किया है, इसमें केवल अवकलन किया है। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx तो दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा dy अपॉन dx, तो इस संख्या को उधर पहुंचा देंगे और इस संख्या को हम इधर लाते हैं तो ये 3 by square 3 ax है
तो माइनस के ए एक्स रहेगा यहाँ पर और डी वाई अपॉन डी एक्स थ्री हमने कॉमन ले लिया। यहां से भी थ्री कॉमन आ रहा है तो थ्री ए और वाई है यहाँ पर माइनस में कितना रहेगा एक्स स्क्वायर थ्री कॉमन ले लिया थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है हमारा कि ए बाई माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर माइनस के ए एक्स ये नंबर दो संख्या यानी हमने क्या निकाल दिया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल दिया। अब हमें कौन से बिंदु पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है थ्री ए बाई टू और थ्री ए बाई टू पर अतः 3a by 2, 3a by 2 पर dy upon dx यहां से a into 3a by 2 minus के 9a square by 4 9a square by 4 और माइनस के कितना हो जाएगा ए है थ्री ए बाई टू यानी कि ऊपर नीचे दोनों संख्या समान है केवल किसका अंतर है एक माइनस चिन्ह का अंतर है समान है तो कट जाएगी केवल कितना बच जाएगा यहाँ पर माइनस के वन बच जाएगा और ये नंबर तीन समीकरण आ जाती है यानी डी वाई और डी एक्स का मान हमने किस बिंदु पर थ्री ए बाई टू पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाता है माइनस के वन। अब हमें पुनः इसका अवकलन करना है किसका अवकलन करेंगे दो नंबर तो समीकरणों का पुनः अवकलन कर लेगा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का मतलब हमारा तो यही है कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पहले रखना पड़ेगा तो इस पूरे रखने की बजाय देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ही है इस पूरे रखने की बजाय यदि हम बिंदु पर निकाल लें तो ये बिंदु पर हमारा कितना मान है इसका माइनस वन के बराबर है तो इस तरह से अतः बिंदु 3a by 2, 3a by 2 पर d square by upon dx square देखिए यहां पर ये मान रख रहे हैं 3a by 2, 3a by 2 पर तो यहां पर आ जाएगा 9a square by 4
माइनस के 3a स्क्वायर बाय 2, a का मल्टीप्लाई कर दिया 3a बाय 2, यहां से a और इसका चिन्ह है माइनस का, माइनस 1 है तो ये माइनस 1 और माइनस के 2 और 3a और बाय 2 ये मान लो माइनस a इनटू 3a बाय 2 माइनस के 9a स्क्वायर बाय 4 हो गया, ये मान रख दिया। और यहां पर माइनस के 2 3a बाय 2 तो है माइनस का, इसलिए लगा दिया है dy / dx का मान माइनस हो गया और माइनस के कितना है 1, ये हमने मान निकाल दिया 3a बाय 2 3a बाय 2 का। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सूत्र में रखेंगे। देखिए यहां से सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ रहा है माइनस a और माइनस के 3a माइनस के 4a, यहां कितना आ रहा है यदि ये कॉमन माइनस कॉमन ले लिया जाए नीचे संख्या हो जाएगी हमारी के 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस के 3a स्क्वायर बाय 2, यहां पर देखिए ये संख्या 9a स्क्वायर बाय और इसका वर्ग है 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस के 3a स्क्वायर बाय और ये मान 3a स्क्वायर बाय 2, ये दोनों सेम संख्या है और यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये सेम हो जाएगी, ये कट जाएगी और ये कटने के बाद जो नीचे संख्या हमारी रहेगी वो आ जाएगी 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस के 3a स्क्वायर बाय 2, इसका वर्ग बढ़ जाएगा, ये संख्या है दोनों लेकिन प्लस हो जाएगा, यहां कितना है माइनस के 4a, ये संख्या है, यहां माइनस माइनस प्लस है लेकिन ये माइनस के 4a उधर भी है तो ये माइनस के 4a, ये संख्या है, बाकी संख्या हमारे क्या है प्लस कर देंगे, ये माइनस आ रहा है तो माइनस हो गया, ये बराबर कितना लिख सकते हैं इसको बराबर में आ जाएगा माइनस के 8a अपॉन, यहां लघुत्तम कितना आ रहा है 4 तो 9a स्क्वायर और माइनस के 6a स्क्वायर, ये जो 4 है इनटू 4 ऊपर चला गया बराबर आ गया माइनस के 32a, 8 चौके 32a, नीचे कितना आ रहा है 3a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर आ गया, एक a से इसकी घात कम हो जाएगी तो बराबर आ गया कि माइनस 32 अपॉन 3a माइनस के 32 अपॉन 3a, और ये हमारी समीकरण आती है, हमने कितने समीकरण दे दिए थे, इसको समीकरण नहीं दिया था तो 1, 2, 3 ये 4 नंबर समीकरण आता है, 4 नंबर का समीकरण आता है, अब हम सूत्र में रखेंगे, क्योंकि दोनों ही मान निकाल दिए हमने, dy / dx का मान निकाल दिया उस बिंदु पर और d स्क्वायर / dx स्क्वायर का मान निकाल दिया, तो अब हम उस सूत्र में रखते हैं, अतः सूत्र से सूत्र है हमारा रो बराबर रो, लेकिन रो किस पर निकाल रहे हैं हम 3a by 2 और 3a by 2 पर रो निकाल रहे हैं, सूत्र रहेगा हमारा कि 1 plus k dy upon dx और ये किस पर रहेगा ताहुरी स्क्वायर 3a by 2 और 3a by 2 पर और इसकी घात 3 by 2
upon d square by upon dx square, और ये भी किस बिंदु पर 3a by 2 और 3a by 2 पर। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर और मान रखते हैं तो रो का मान किस बिंदु पर 3a by 2 पर कि 1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर है माइनस 1 का इसका मान और इसका मान कितना आया है कि माइनस के 32 अपॉन 3a तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का वर्ग यानी कि 4 हो गया और इनटू कितना हो जाएगा 3a लेकिन ये माइनस में रो हमारी लंबाई है तो इसका संख्यात्मक मान लेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम पॉजिटिव कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 32 और ये कट जाएगा 3a upon 8 पॉजिटिव संख्या ये ध्यान रखना है कि इसको हमने प्लस कर दिया है प्लस क्यों किया है कि रो हमारी लंबाई है और लंबाई हमारे हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव रहती है तो इसका मान आता है कि रो बराबर 3a by 8 ये इसका आंसर आता है तो इस तरह से हम एग्जांपल कर सकते हैं हाँ इसकी बात तो 3 by 2 और लग रही थी हमारी ये वर्ग नहीं है यहाँ पे ये 3 by 2 है इसकी बात तो 3 by 2 है तो ये हमारी 2 की घात 3/2 आएगी ये वर्ग कर दिया हमने तो 2 की घात 3/2 आती है तो यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको एक ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें तो ये 3/2 तो ये 2 की घात कितनी आ जाएगी कि 2 की घात 3/2 ये 2 का मान नहीं रहेगा 2 की घात 3/2 और अपॉन इनटू 3a हमारा है और अपॉन कितना है 32 लेकिन पॉजिटिव वही कर देंगे तो यहां से 2 और √2 और इनटू कितना आ जाएगा 3a और अपॉन कितना है 32 तो यहां से ये 16 बार कट जाएगा ये इसको लिख सकते हैं 3√2a/16 लिख सकते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा रो बराबर उसकी बजाय क्योंकि ये 3/2 आती है हमारी वर्ग नहीं था इसलिए इस तरह से आता है और इस तरह से आप एग्जांपल कर सकते हैं धन्यवाद